हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। हम इसका पार्ट डी सोल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है दर्शाए कि अवकल समीकरण x cos y upon x dy upon dx = y cos y upon x plus x समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। समघातीय अवकल समीकरण के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होता है। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर डिवाइड अपॉन dx प्लस एक्स वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे घात दो है और यहाँ पर भी घात एक और एक दो है और इधर भी घात दो है, तो ये क्या है, समघातीय फलन है। और अवकल समीकरण को समघातीय बनाने के लिए अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन dx प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सर्वप्रथम अवकल समीकरण को समघातीय बनाने के लिए x cos y upon x dy upon dx इजिकल टू y cos y upon x plus x। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ x का भाग दे देंगे, तो ये क्या आएगा, x upon x cos y upon x dy upon dx इजिकल टू y upon x cos y upon x plus x upon x। तो ये x x कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos y upon x dy upon dx इजिकल टू y upon x cos y upon x और इधर आ गया 1। अब देखो इधर भी y की घात एक है, एक्स घात है, तो एक माइनस एक मतलब ये शून्य घात हो गई, ये भी शून्य घात हो गई, ये भी शून्य घात हो गई, तो ये शून्य घात के समघात अवकल समीकरण है। अब समघात अवकल समीकरण को हल करते हैं। कॉस वाई अपॉन एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वन। तो देखो यहाँ से डिवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वन और ये इसके बट्टे में चला जाएगा कॉस वाई अपॉन एक्स। लेट y अपॉन x बराबर हमने v मान लिया, तो y बराबर क्या हो गया, एक्स वी हो गया, तो dy अपॉन dx क्या हो गया, यूनिट v से कर देंगे, x को ऐसे ही रखा dv अपॉन dx प्लस v को ऐसे ही रखा x का 1 हो गया। अब देखो dy अपॉन dx की हमने वैल्यू रख दी यहाँ से, तो ये क्या आ गया, x dv अपॉन dx प्लस v और y अपॉन x को v माना था, तो v cos v प्लस 1 और नीचे आ गया बटा cos v। अब देखो x dv upon dx plus v इजिकल टू v cos v plus 1 upon cos v, तो यहाँ से x dv upon dx की वैल्यू क्या आएगी, v cos v plus 1 बटा cos v, ये माइनस आ जाएगा, माइनस v हो गया। तो देखो x dv upon dx बराबर cos v, तो ये क्या हो गया, v cos v plus 1 और माइनस ये v से गुणा हो जाएगा, तो v cos v। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 1 upon cos v। अब इसको हमने तिरछा गुणा कर दिया, तो cos v dv इधर ये उल्टा हो जाएगा dx upon x। अब इसका हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो cos v का तो हो गया sin v और dx upon x का समाकलन हो गया log x plus c। अब हमने वापस v का मान रख दिया, तो sin y upon x log x plus c, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया sin y upon x is equal to log x plus c, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।